हमारी अदलिया ने एक बड़ा एक एक पहले हमेशा इक्तदार के साथ चलती थी। एक सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने कोशिश की, उनके ऊपर पूरा नवाज शरीफ का माफिया ने पूरा उनको डंडों से अटैक करके तो उनको फारग कर दिया पैसे चला के। उसके बाद हमारी अदलिया कभी आज़ाद नहीं थी, यानी कोशिश भी नहीं की। पहली दफ़ा 2007 में वुकला की मूवमेंट शुरू हुई, चीफ जस्टिस के साथ वुकला खड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता कौम खड़ी हुई और पहली दफ़ा पाकिस्तान में उम्मीद हुई कि हमारी अदलिया आज़ाद हो रही है। और अदलिया ने अच्छे फैसले किए, लोगों को इत्माद आना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता अदलिया में। वो सारा कुछ आज तबाही के किनारे पर फिर से पहुँच गया। आज अदलिया सहम गई है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, जजेस को टेलीफोन कॉल जा रही हैं, उनके ऊपर टेपें दिखाई जा रही हैं ब्लैकमेल के लिए, या आपके टेपे हैं या आपके ऊपर ये कोई केसेस बनाए हुए हैं। वो घबराए सहमे हुए हैं। जो जजेस के हमने हालात देखे हैं वो इस मुश्किल हालात में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून के साथ चलें, लेकिन उनके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है कि वो काम करें जो कि सारा वक्त हमारी अदलिया करती रहे ताकतवर के साथ चले जाए।